व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट व्हाइट शूज और ये चेक कलर का टाई में कुछ लोग लाइनिंग बना के खड़े हुए हैं बच्चे और बंजिया दिख रहे हैं जरा एक बार देख लीजिए और इस ड्रेस कोड को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं सरकारी स्कूल में तक कतई नहीं गया हूं मैं एक प्राइवेट स्कूल में आया हूँ रांची से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है राह है वहां पर एक प्राइवेट स्कूल है उसका नाम भी बताऊंगा वहीं पर हम लोग आए हुए हैं रास्ते से गुजर रहे थे मुझे लगा कि इस स्कूल को दिखाना चाहिए आप लोग हमेशा कहते हैं कि सिर्फ सरकारी स्कूल दिखाते हैं थोड़ा प्राइवेट स्कूल भी दिखाइए तो प्राइवेट स्कूल में हम आए हुए थे देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र और छात्र है, एक बार देख लीजिए और वेल well यूनिफॉर्म में है, बहुत अच्छे से है देख लीजिए ये हमको लगता है कि अदर क्लास वाले होंगे और इधर वाले अदर क्लास में होंगे मतलब ये हमको लगता है कि वन टू फाइव वाले वन टू फाइव वाले हैं आप लोग सेवन वाले हैं पता चल जाएगा अभी देख लीजिए जहाँ तक देखिएगा सरकारी स्कूल में ऐसे तो आपको एकदम नहीं देखने को मिलेगा जहाँ तक मैं जानता हूँ तो एक बार सर से हम मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माजरा है सर इधर आइए एक बार सबसे पहले आपका भोकाल टी न्यूज में स्वागत है थैंक यू सर ये बताइए स्कूल का नाम क्या है मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय स्कूल रहे है जी और सर्वोदय स्कूल रहा ये प्राइवेट स्कूल है ये एक एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल है अच्छा एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल है तो ये जैक बोर्ड से चलता है या सी बी एस ई बोर्ड से चलता है जैक बोर्ड से चलता है जी जैक बोर्ड से चलता है तो यहाँ पर सर पढ़ाई टू होती है या वन टू ट्व होती है टू की पढ़ाई होती मतलब है मतलब एक से दस तक पढ़ाई होती है टोटल यहाँ पर कितने बच्चे हैं सर अभी सेवन हंड्रेड प्लस हैं अच्छा सेवन हंड्रेड प्लस है शिक्षक अच्छा, है। कितने हैं सर शिक्षक ट्वेंटी वन है अभी अच्छा ट्वेंटी वन है तो क्या आपके यहाँ अनुपात के हिसाब हाँ से सब शिक्षक हैं हाँ बिल्कुल हैं अनुपात के हिसाब से हैं तो ये सब बताइए कि इधर वाले जो है ये इधर वाले जो है यहाँ से ये जो लाइनिंग है सब वाइट पूरा यूनिफॉर्म है सबका उधर थोड़ा सा चेंजिंग है ऐसा क्यों आ, हो सकता है उन लोग का ड्रेस आज भींग गया होगा इसलिए जो एक ग्रुप ड्रेस हम लोग बना करके रखे हैं जी उसी को उन लोग पहन के आए हैं नहीं तो आज ग्रुप ड्रेस से पहनने का दिन नहीं है अच्छा अच्छा मतलब यूनिफॉर्म गंदा हो गया होगा या भीग आ, गया होगा इस वजह से आपने स्कूल से ही प्रोवाइड किया हुआ है ये है ना है। तो देख लीजिए स्कूल से प्रोवाइड किया हुआ है ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आज मेरा यूनिफॉर्म खराब हो गया भीग गया या मुस काट लिया चूहा काट लिया बंदर काट लिया जो भी नोच लिया तो हम क्या किए कि खालिए पैर आ गए और ऐसी बिना नहाए धोए आ गए यहाँ देख लीजिए वेल well मेंटेन मतलब अगर आप शिक्षा लेने आ रहे हैं तो कम से कम आप खुद को सवार सवार के आइए तब जाके आप बेहतर शिक्षा ले लीजिएगा सब होता क्या है कि स्कूल का इन्वायरमेंट सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए स्कूल देखिए ज़रूरी है कि बहुत ऐसा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है बस जज्बा चाहिए और जुनून चाहिए तो आ, सर ये बताइए कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है एडमिशन के लिए सबसे पहले टेस्ट होता है सर जी आप लोग टेस्ट लेते हैं हाँ बिना टेस्ट के एडमिशन किसी भी बच्चा का नहीं, नहीं होता है।, है। जी तो सर मान के चलिए कि जैसे सरकारी स्कूल में तो लोग फ्री में पढ़ते हैं खाना भी मिल जाता है यहाँ पर फीस क्या रखा है आपने देखिए सर फी जो है इससे सुदूर क्षेत्र को देखते हुए जी यहाँ पर फी बिल्कुल कम है जी सबसे अधिकतम फी तीन सौ अस्सी रुपया

करोड़ों के सरकारी स्कूल में चालीस हजार से एक लाख रुपया मास्टर जो होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है उनके स्कूलों को स्थिति देख लीजिएगा तो आपका दिमाग जो है चकरा जाएगा लेकिन यहाँ पर तीन सौ से तीन सौ अस्सी रुपया मैक्सिमम फीस है उस फीस में देख लीजिए कि यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है इतना अच्छा लग रहा है मुझे आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट लग रहा है सबसे पहले इस यूनिफॉर्म को देख लीजिए इसको देखते ही आपको लगेगा कि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में आया हूँ क्या नाम है दोस्त जगमान कुमार मार थोड़ा तेज बोलिए खाना खा क्या है ना जगमोहन कुमार मोहली जगमोहन कुमार मोहली पापा क्या करते हैं कुछ नहीं करते घर पे रहते है? हाँ अच्छा तो घर में कोई काम करते होंगे ना हाँ। कौन मम्मी मम्मी क्या करती है सूप बनाती है अच्छा सूप बनाती है देखिए दिल में अगर जज्बा हो इनकी मम्मी जो है इनकी माता जी सूप बनाती हैं जिस जिस सूप में आप चावल और गेहूँ फटकते हैं ना अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो वो फटकती वो बनाती हैं फटकने वाला इनकी मम्मी जो है सूप बनाती हैं और इनकी मम्मी जो है कितना कमाती होंगी अंदाज़ा लगे लेकिन ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं प्राइवेट स्कूल में पर इसलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि ये जो है एक बहुत ही कम बजट में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर एक लिमिटेड बजट में लोगों को सुविधा दी जा रही है सर का कहना है कि एक समाज सेवा के भाव से इसको खोला गया है है ना सर जी 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 क्योंकि तीन सौ अस्सी रुपये हमको तो लगता है कि शहर में पांच सौ से एक हजार कोचिंग में पैसा दे देता है लोग एक घंटा जहाँ पे पढ़ाया जाता है क्या बोलते हैं सर बिल्कुल सही देख रहे हैं हम लोग है ना क्योंकि कोचिंग वाले गांव में कोचिंग कराने वाले दो सौ रुपया लेते हैं एक घंटा पढ़ाते हैं दो सौ रुपया ले लेते हैं क्लासिक क्लास का टाइमिंग क्या है सर क्लास का अभी डे स्कूल हो गया है जी आठ बजे से लेकर के दो बजे तक स्कूल चलती है आठ से दो चलता है जी यहाँ पर आठ से दो स्कूल चलता है कुछ और लोगों से बात करते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम भाई भाईश्री प्रिया है जी प्रिया आपके पापा क्या करते हैं मेरे पापा ऑफिस इंचार्ज ऑफिस इंचार्ज है, है। ये। तो ये बताइए कि आप पहली क्लास से यहीं पे पढ़ रही हैं यस सर मैं यूकेजी क्लास से यू के यूकेजी से अभी कौन से क्लास में है अभी मैं नाइन्थ क्लास में हूँ नाइन्थ क्लास में है सर, तो यहाँ के जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनसे आप संतुष्ट है ये सर अच्छा लगता है अच्छा पढ़ाई के अलावा ना एक अदर एक्टिविटीज भी होते हैं जैसे कराटा हो गया खेल कूद हो गया म्यूजिक हो गया ये सब होता है क्या यहाँ पे यस सर होता है कराटा भी सिखाया जाता है यस सर अच्छा ये बताइए की आप कौन से राज्य में रहती हैं? मैं झारखंड में रहती हूँ अच्छा झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ताली बजा दीजिए इनके लिए अच्छा आपको हिंदी इंग्लिश बराबर पढ़ने आता है यस सर पूरा अच्छे से अच्छा आगे क्या बनना चाहती है मैं पुलिस ऑफिसर बनना, बनना चाहती पुलिस ऑफिसर बनना चाहती देखिए, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है मैं ऐसा कामना करूँगा कि आप जरूर पुलिस ऑफिसर बनिएगा कुछ और लोग हैं जरा इनसे बात करते हैं क्या नाम है आपका सुषमा कुमारी सुषमा आप कौन से क्लास में है, टेन्थ। टेन्थ में है। तो अभी आ, अगले साल एग्जाम देंगी ना बोर्ड का यस सर तो आपके पापा क्या करते हैं मेरे पापा एक मतलब सैलून में करते हैं। अच्छा सैलून में काम करते हैं अपना mm -hmm. सैलून है या मतलब वहाँ पे काम करते हैं? नहीं मतलब पर पैसा दे के काम करते हैं mm -hmm. पैसा दे के काम करते हैं पैसा उनको मिलता होगा ना काम कर... <talk> <onion> हाँ, ना? भाड़ा में <talk> <onu。talk> <homework> अच्छा भाड़ा में तो ये बताइए कि आप यहीं की रहने वाली है नहीं है यहाँ से कितना दूर है अभी छह सात किलोमीटर किलोमीटर तो बस चलती है स्कूल की नहीं हम हाँ। हाँ। मतलब टेम्पो तो जाती है पर हम साइकिल अच्छा साइकिल से आती है तो आपको आने में कोई परेशानी नहीं होती है ना नहीं अच्छा यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है सब कुछ हाँ। जी इंग्लिश अच्छा से हाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती होगी ना हाँ। क्योंकि जैक बोर्ड है तो ऑब्वियसली हो ये ये सारी चीजें हैं मतलब तीन सौ अस्सी रुपया में आप जो प्रोवाइड करा सकते हैं सब कुछ होगा ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं अभी दिखाऊंगा आपको टेंस कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन फ्यूचर मैं खाता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आई इट्स ताली बजा दीजिए आई इट होगा ऐसा हाँ। नहीं होगा देखिए बहुत अच्छा लगा झारखंड में टोटल कितने जिले हैं चौबीस ताली बजा दीजिए वेरी नाइस यहाँ पर देखिए वो सरकारी स्कूल में जाते हैं ना हम लोग तो आप लोग देखते हैं शिक्षा मंत्री का नाम पूछते हैं तो लोग नहीं बता पाते हैं तो यहाँ पर वो नहीं मिलेगा ऐसे हम पूछ ले दो चार लोगों से क्योंकि अच्छा नहीं लगता है और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि बस अब क्या कहा जाए तो सर इनको बैठा दीजिए अब हमको क्लासरूम दिखा दीजिए यहाँ का शौचालय दिखा दीजिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके थैंक यू सो मच अब आप लोग क्लास में देख लीजिए कुछ और काम है यहाँ पर क्या हाँ ये है का जो कैंप किए थे हाँ। उन लोग को सर्टिफिकेट यहीं वितरण करना है अच्छा कराटे क्या यहाँ पे कैंप हुआ था मतलब कराटा से इन लोग गए थे कैंप में। कहाँ पे भेजे थे इन लोग रांची चल गए थे अच्छा रांची भेजे थे कौन है कराटा जो सिखाते हैं? सर का नाम क्या है आइए देवानंद सर आइए कराटे कौन सिखाते हैं आइए हमको भी सिखा के भेजिए कहीं सिनेमा उमा बनाने के लिए आइए सर सबसे पहले आपका भोकाल टीवी में स्वागत है तो आप कराटा सिखाते हैं पे तो कराटा मतलब बेसिक क्या सिखाते हैं अच्छा, defense, हाँ, लड़कियों को भी सिखाते है। है। तो इनको अभी कहा ले गए थे आप लोग कहाँ ले गए थे अभी आप कुछ टूर रांची हर घोड़ा में तो वहाँ पर और भी तो वहाँ पर जीत क्या है क्या लोग जीत के रहे हाँ हुआ पास हुआ है अच्छा वहाँ पर पास हुआ है हाँ। तो अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरण कीजिए जी 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 तो यहाँ पे देखिए कराटा का यहाँ पे कंपटीशन हुआ था या जो भी हुआ होगा मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल मालूम नहीं है तो सर्टिफिकेट वितरण हो रहा है तो अदर अदर जो एक्टिविटीज होते हैं जो लड़कियों का या बच्चों को सेल्फ डिफेंस थोड़ा सा आना चाहिए आज के दौर में क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज कितना सेफ है या अनसेफ है आपको बेहतर मालूम है तो आप लोग कर लीजिए उसके बाद हम सर से विनती करते हैं कि जरा हमको दिखा दीजिए एक बार हाँ अकबर आप लोग कीजिए सर हम लोग आते हैं तो सर यहाँ पर जो कराटा का कंपटीशन हुआ होगा या प्रतियोगिता हुआ होगा उसका जो है ये वो कर रहे थे अभी हम यहाँ का शौचालय दिखाते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल का सरकारी स्कूल का तो आप हमेशा देखते हैं तो अब ही अभी हम आपको प्राइवेट स्कूल का शौचालय दिखा रहे हैं इधर है लड़कियों का उधर है है का अच्छा ये ये गर्ल्स लोग का, लो का है उधर बॉयज़ लोग का है तो हम बॉयज़ में चलते हैं जरा बार आइए दिखा देते हैं आपको तो अभी हम सर्वोदय जो प्राइवेट विद्यालय उसका आपको शौचालय दिखा रहे हैं एक बार आके देख लीजिए तो ये शौचालय है यहाँ पर तीन सौ अस्सी रुपया यहाँ का फीस है देख लीजिए यहाँ पर बराबर शौचालय साफ सुथरा किया हुआ है देख लीजिए दिखा दीजिए चलिए आगे यहाँ से लोग हमको लगता है पानी लेके जाते होंगे है ना यहाँ से लोग पानी लेके जाते हैं यहाँ से भी पानी देखिए एक टैंक बनाया गया है पानी लेके देखिए तीन रुपया में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने बना के रखा है जो भी क्योंकि इनको जो शिक्षक होंगे इक्कीस शिक्षक हैं उनको सैलरी भी देना है मैनेजमेंट की भी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसका भी सब कुछ मैनेज करके चलना है तो जो भी है यहाँ पर विधि व्यवस्था अच्छा मुझे लगा और यहाँ का क्लासरूम मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये क्यों बनाया हुआ है सर ये बहुत हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है अच्छा जी तो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम फिर पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी जी या कोई भी यहाँ पर उत्सव जो मनाया जाता है जी जी तो यहीं पर से जी। यह हम लोग करते हैं सजा करके मतलब सेक्शन वाइज क्लास का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है <laughs> कि सेक्शन एट में है बी है ये क्लासरूम है तो ये क्लासरूम है एक बार आपको दिखा देते हैं इसमें देखिए पंखा लगा हुआ है दो दो पंखा और यहाँ पर देखिए बोर्ड टांगा हुआ है और वहाँ पर बल्ब लगा हुआ है बहुत ही देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा क्योंकि तीन सौ रुपये के फ़ीस में मैक्सिमम तीन सौ अस्सी रुपया है तीन सौ रुपया फ़ीस है यहाँ पर हमको लगता है कि ढाई सौ भी किसी से लेते होंगे है ना तो उस हिसाब से ये बहुत ही बेटर है क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो यहाँ का शिक्षा बेहतर होगा अभी क्लास में जब बच्चे बैठेंगे तो हम और बच्चों से बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बेसिक अंतर क्या होता है सबसे बड़ा अंतर तो आप यूनिफॉर्म का देख लीजिए और सबसे बड़ा अंतर मैनेजमेंट का देख लीजिए होता है तो ये क्लासरूम है देख लीजिए यहां पर ये भी क्लासरूम है यहां पर भी देख लीजिए सभी क्लासरूम में जो है पंखा लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ है देख लीजिए एक बार यहां पर तो आप बस कहते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल दिखाइए हम प्राइवेट स्कूल दिखाए इस रास्ते से हम गुजर रहे थे क्योंकि हम प्लानिंग करके कहीं नहीं जाते हैं हमें रास्ते में मिल गया हमने सर से पूछा कि हम दिखाना चाहते हैं सर ने इजाजत दिया कि ठीक है आप दिखा लीजिए कोई समस्या नहीं है जो है वो दिखा लीजिए तो ये स्कूल है सर्वोदय विद्यालय राहे एक ब्लॉक पड़ता है राहे ब्लॉक में है और ज़्यादा डिटेल के लिए मैं स्कूल का एड्रेस डाल दूंगा अगर आस पास के लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं तो अभी क्लास में जब आएंगे, तो मैं बात करूँगा तब तक के लिए जय हिंद